दोस्तों आचार्य चाणक्य की नीतियाँ संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक मान जाते हैं। आचार्य चाणक्य एक श्रेष्ठ अर्थशास्त्री होने के साथ साथ एक महान राजनीतिक एवं कूटनीतिक थे। उनके द्वारा बताई गई चाणक्य नीति को सीखने से आप जीवन किसी समस्या को आसानी से सुलझा सकते हैं। साथ ही साथ चाणक्य नीति का ज्ञान आपके लक्ष्य को पूरा करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों क्या आप किसी स्त्री से मोहब्बत करते हैं, क्या आप उसे पाना चाहते हैं? तो दोस्तों बस आप ये उपाय कर लीजिए। दोस्तों आपको रात में सोते समय इस उपाय को करना है। आपको सोते समय बस ये शब्द बोलना है, जी हाँ दोस्तों, वो स्त्री आपसे प्यार करने लग जाएगी और वो आपकी हर बात मानेगी, आप जो चाहोगे वही करेगी। दोस्तों ये उपाय जानने के लिए आज का वीडियो आखिर तक अवश्य देखते रहें। दोस्तों आचार्य चाणक्य जी अपनी चाणक्य नीति में इस बात का जिक्र करते हैं कि जो लोग वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र पर भरोसा करते हैं वो अपने जीवन में हमेशा खुशहाल जीवन जीते हैं, और दोस्तों जो लोग इस उपाय को करते हैं उन्हें उनका प्यार जरूर मिलता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आखिर उपाय क्या है। दोस्तों अगर आप अपनी हर मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाए और आप भगवान श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे और आपको आपकी हर एक मुसीबत में आपका साथ देंगे, क्योंकि भगवान को आप याद करेंगे तो मुसीबत में भगवान आपकी मदद अवश्य करेंगी। दोस्तों रात को सोते समय आपको एक सादा कागज लेना है, उस कागज पर आपको ये शब्द लिखना है। दोस्तों शब्द है ओम त्रिम त्रिम चामुंडा चामुंडा चामुंडा। दोस्तों ये लिखने के बाद इस शब्द को आपको 51 बार बोलना है और दोस्तों 21 बार उस स्त्री का नाम लेना है। उसके बाद में दोस्तों उस शब्द को आप तकिए के नीचे रख कर सो जाएं। जी हां दोस्तों ऐसा करने से दोस्तों आप अपने प्यार को पालोगे। दोस्तों जिससे आप प्यार करते हैं, जिसको अपना बनाना चाहते हैं, उसे पाने के लिए दोस्तों आप इस उपाय को जरूर करें, आपको आपकी मोहब्बत जरूर मिलेगी। दोस्तों आप इस उपाय को जरूर करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और आप भगवान श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।